जहाँ पर आप इसको भी फिल्टर करते हो। ये आपकी कन्वर्जन वाली ऐड है, जहाँ से आप जो है, ये ऐसी ऑडियंस है ना जो आपके साथ 31% बिजनेस करना चाहती है। गाइस वेलकम टू द वीडियो, माय नेम इज पवन राजपूत और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव्स फॉर रियल एस्टेट बिजनेस यूज केस। बेसिकली जो फेसबुक ऐड के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे लीड जनरेशन, वेबसाइट ट्रैफिक, कन्वर्जन, ब्रांड अवेयरनेस, रीच, तो वो सब के सब ऑब्जेक्टिव का रियल एस्टेट बिजनेस के लिए क्या आप एज अ मार्केटर यूज कर सकते हो, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके सो लेट गेट स्टार्टेड। खास बात आपको इस वीडियो में मैं यस फ्लो ऑफ विथ वीडियो टिल एंड आपको कुछ ऐसे लाइक फनल्स भी बताऊंगा, छोटे छोटे 2 स्टेप फनल, 3 स्टेप फनल्स, जो आपके लिए काफी लाइक यूजफुल रहेगी और आपको एक एक आपका दिमाग खुल जाएगा कि हाँ यार, ये ऑब्जेक्टिव भी एक रियल एस्टेट के लिए है जो है अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता था, बट मैंने किया नहीं, या फिर मैं कर रहा था बट इसका कोई मेरे को लगता नहीं यूज केस, या फिर आपको एक मतलब दिमाग खुल जाएगा ओवरऑल, आपको एक फनल आपको आ जाएगा कि हाँ ये फनल हम जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं एज पर योर बजट। ठीक है, सो देखो कोई भी बिजनेस आप ले लो, ठीक है, कोई भी बिजनेस ले लो आप, कोई भी लाइक फेसबुक ऐड चला लो, आपको लाइक इतने सारे ऑप्शन आपको फेसबुक देता है। ठीक है, जैसे आप एक आपको एक जैसे आपको पता है अवेयरनेस हो गया, कंसंट्रेशन हो गया और कन्वर्जन हो गया। फेसबुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स, फेसबुक ने 3 लेवल में उसको डिवाइड किया है। नंबर 1 एक अवेयरनेस लेवल, दूसरा कंसंट्रेशन लेवल, नंबर 3 लेवल इज कन्वर्जन लेवल। ठीक है, अब अवेयरनेस लेवल में आपको सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव दिखाई देते हैं, ब्रांड अवेयरनेस और रीच, और कंसंट्रेशन में ट्रैफिक, इंगेजमेंट, आपको जैसे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, वो सभी के सभी ऑब्जेक्टिव्स का एक अपना एक यूज केस है और हर बिजनेस के लिए उसको सही से आप जो है यूज कर सकते हो अगर आपने उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से समझा है तो। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली रियल एस्टेट का एग्जांपल देने वाला हूँ, आपका कोई और बिजनेस भी है आप उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा किस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। पर एक मैं पॉइंट के बारे में बात करना चाहूंगा कि फेसबुक ने 3 लेवल में तो इसको डिवाइड किया है, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि फेसबुक ने ऐसा क्यों किया है? क्यों नहीं फेसबुक ने लाइक पूरा एक साथ ही दे दिया, लाइक क्यों? क्योंकि फेसबुक हमको यहाँ पर एक छोटा सा फनल दे रहा है, एक लॉजिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आपको मैं रियल एस्टेट का एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, ये आपका कस्टमर है और ये आपका प्लॉट है, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, रियल एस्टेट वाला, इसकी टिकट साइज 50 लाख है मान के चलो। ठीक है, अभी ये जो कस्टमर की जर्नी है, ये जर्नी आपको पता है, वो ऐड देखता है, फिर आप कांटेक्ट करते हो, फिर साइट विजिटिंग, फिर बुकिंग, फिर रजिस्ट्रेशन, जो भी आगे का प्रोसेस है वो होता है। ठीक है, तो अभी फेसबुक क्या आपको बता रहा है कि देखो ये कस्टमर को आप कौन हो, आपका ब्रांड है तो अच्छी बात है, ठीक है, ब्रांड नहीं है तो फिर क्या, ब्रांड अगर नहीं है, एग्जाम्पल के लिए मोस्ट ऑफ ब्रांड नहीं होते नॉर्मल, अब मेरा पर्सनल इट्स नॉट अ ब्रांड, ठीक है, अब मेरे को लोग पहचानते नहीं है इतने ज़्यादा, तो वैसे से हम आपके साथ हो या फिर काफ़ी कोई ब्रांड हो, तो इनिशियली क्या बोलता है ना कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है रियल एस्टेट के लिए, लेके मैं बोलता हूँ कि आप उसके अवेयरनेस करो। ठीक है, ये जो आपका कस्टमर है ये एक ही नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे कस्टमर्स है, काफ़ी सारे लोग हैं, तो उनके साथ आप ये ऑब्जेक्ट के साथ लाइक अवेयरनेस करो एंड देन फिर उनको कंसिडरेशन में लो कि भाई ठीक है, आप जैसा भी इनको पता चल गया कि हाँ ये एक ब्रांड है और ये रियल एस्टेट कंपनी है और ये सब चीज़ें हैं, इसके पास ये प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, ये आपने ब्रांड अवेयरनेस के थ्रू उसको बता दिया, अब उसको आपको जो है कंसिडरेशन करके लाइक उसको बोलना है कि क्या आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, फिर उसको अलग अलग ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप उसको रीच आउट कर सकते हो कि लीड जनरेशन और ट्रैफिक वगैरह। मैं आपको और अच्छे से इनके बारे में समझाने वाला हूँ डिटेल में, लाइक आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा, बट एज ऑफ नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि फेसबुक भी हमको एक फनल दे रहा है, एक प्रोसेस दे रहा है जिसको हमको समझना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। और दूसरा है कन्वर्जन्स, तो कन्वर्जन्स ये लाइक एंड गोल है हर बिजनेस का, हर बिजनेस यही चाहता है कि उसके बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन आए ताकि वो ग्रो कर सके, ज़्यादा ज़्यादा रेवेन्यू आए। ओके सो अभी देखो आप रियल एस्टेट का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, ये ब्रांड अवेयरनेस बेसिकली क्या होता है कि आपके ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा लोग याद रखें,
उसके लिए ये ब्रांड अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव यूज किया जाता है। यहाँ पर आप ब्रांड अवेयरनेस कैसा कर सकते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट का ब्रांड अवेयरनेस ऐड चलाओ। यहाँ पर आपको ऑप्शन भी मिल जाता है जहाँ पर आप ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर ले जा सकते हो। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, ठीक है। वो आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि कितने लोग विजिट करें और वो सब, कोई ऐसा गोल नहीं रहेगा यहाँ पर आपका। बस आपका ये गोल है कि भाई फेसबुक को बोल रहे कि फेसबुक ये मेरी टारगेटेड लोकेशन है, ये टारगेटेड लोग है और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है ताकि ये मेरे को ध्यान में रखें। अभी होता क्या है कि फेसबुक कैसे कैलकुलेट करता है कि ये लाइक आपके ब्रांड के बारे में उनको पता है या नहीं, तो फेसबुक उनको एक पॉपअप देता है लाइक कि आपने लास्ट 7 दिनों में या फिर लास्ट 6 दिनों में आपने इनमें से कौन से ब्रांड के ऐड देखी। तो काफ़ी सारे लोग उसको सबमिट करेंगे, हाँ मैंने ये देखी ये नहीं देखी, तो आपका ब्रांड का ऑप्शन भी आएगा वहाँ पर और लाइक यू विल गॉट टू नो कि कितने लोग जो है आपके ब्रांड को जानते हैं, ठीक है। तो आपके को यहाँ पर ऑडियंस बिल्डिंग होना शुरू हो जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फनल, ठीक है। आपको ऐसे लोगों से पहले रीच आउट करना है जो आपको जानते हो एंड देन दे विल गोना कन्वर्ट। क्योंकि हम क्या होता है ना कि फेसबुक ऐड या फिर ऑनलाइन वर्ल्ड में, ऑफलाइन वर्ल्ड में तो ऐसा कभी आपने देखा भी नहीं होगा कि आप लाइक रास्ते पे कोई चल रहा है और आप जा रहे हो, ए भाई मेरा ये प्रोडक्ट है आप इसको खरीद लो, ये प्रॉपर्टी आप इसको खरीद लो, ठीक है। ऑनलाइन में यही होता है, बहुत बार यही होता है कि आप लाइक फेसबुक के ऊपर कोई बंदा आया और लाइक ये मेरा प्रोडक्ट है इसको खरीद लो। मोस्ट ऑफ टाइम वी डू दिस, ठीक है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों ने खरीद लेना, बट क्यों खरीदेंगे, क्योंकि वो तो हमको जानते नहीं है ना, ठीक है। तो ब्रांड अवेयरनेस, रीच ज्यादातर लोगों तक पहुंचना और ये ज्यादातर लोग आपको याद रखें, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप बेसिकली ऑडियंस बिल्ड कर रहे हो जो आपके ब्रांड को पहचानती और आपके ब्रांड को ध्यान में रखती हो। अभी आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर आपको ये ऑब्जेक्ट यूज करके आपको ऑडियंस बनानी है। अभी देखो होता क्या है कि आपके पास कभी कई बार ज़्यादा बजट नहीं होता है, राइट। और ज़्यादा बजट नहीं होने के कारण आप रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग नहीं कर सकते, बट ये ऑब्जेक्ट की वजह से आप ऑडियंस बिल्ड करके रीमार्केटिंग, कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस बना करके रीमार्केटिंग कर सकते हो कम बजट के अंदर। अभी जो बाकी ऑब्जेक्टिव है ना, यहाँ पर एग्जांपल लेके चलो, यहाँ पर आपने 500 रुपये लगाए, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस में, और यहाँ पर आपने 500 रुपये लगाए और यहाँ पर 500 रुपये लगाए, तो यहाँ पर जो आपको रीच मिलेगी लोगों तक पहुँचने की, वो 500 रुपये में 5,000, 10,000, यहाँ पर आपको 2,000, 3,000, यहाँ पर 1,000। तो यहाँ पर आपका पैसा यहाँ पर किस तरीके से जो है आप देख सकते हो, आपकी रीच कैसे कम हुई हो और कितना एक्सपेंसिव वो ट्रॉफिक आपको जा रहा है लाइक वो लोगों तक पहुँचने का, आप स्पेंड या फिर CPM, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया, आपने दोनों टाइप ऑफ कैंपेन चला ली। अभी करता क्या है कि यहाँ पर आपको दिखेगा ऑडियंस, जिसमें जाके कस्टम ऑडियंस बनानी है। कस्टम ऑडियंस हम बेसिकली बनाते हैं रीटारगेटिंग करने के लिए। तो कस्टम ऑडियंस, ये जो बाकी चीज़ें वो भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। अपने फेसबुक पे सिलेक्ट कर लेना है, आपने ये दो ऑब्जेक्टिव रन कर लिए, अब इनको सिलेक्ट करके आपका पेज नेम सिलेक्ट कर लेना है एंड फिर 365 डेज रख करके आप एक्सक्लूड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो इवेंट्स आपको क्या क्या मिलेंगे, एनी वन कोई भी जिसने आपके फेसबुक पेज के साथ इंगेजमेंट करी हो, लाइक कमेंट शेयर जो भी है, ठीक है, और अपने पेज को लाइक करा है या फिर सिर्फ पेज को विजिट करा है या फिर कोई भी पोस्ट है फिर ऐड के साथ इंगेजमेंट करी है, क्लिक करा है और मैसेज करा है, आपके पेज को पोस्ट को सेव करा है, तो सबसे जो बेस्ट मैं आपको बताता हूँ वो ये है, ये दो, एनी एवरी वन हु इंगेज विद योर पेज एंड एवरी वन हु इंगेज विद योर एनी पोस्ट और ऐड, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऐड चला रहे हो ये दोनों की, तो ये ऑडियंस जो भी यहाँ पर आप कलेक्ट कर ले हो ना, वो ऑडियंस को आप ये लॉजिक के साथ रीटारगेट कर सकते हो। रीटारगेट कैसे करना वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, और आपको यहाँ पर 1000 लोगों का डेटा चाहिए 365। ये ऑब्जेक्टिव से, ये जो दो ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव से वो ऑडियंस जल्द से जल्द लाइक कलेक्ट हो जाएगी आपके लिस्ट के अंदर, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, जिससे आप लुक लाइक ऑडियंस भी बना सकते हो। अभी करना क्या है,
ये ग्रुप ऑफ ऑडियंस आपकी बन गई जो आपको पहचानती हो, एंड आपने वो ग्रुप ऑफ ऑडियंस की कस्टम लिस्ट भी बनाई। अभी आपको ट्रैफिक ले, अभी आपको क्या करना है, इनमें से आपको ऐसे लोग फाइंड करना है जो आपके वेबसाइट के ऊपर आना चाहते हैं। यहाँ पर मेन आपका लाइक आप उनका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो बेसिकली, तो आप लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर के जाके जहाँ पर आप प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन बताओगे, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लैंडिंग पेज जहाँ पर फुल प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म है जहाँ पर वो अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है सबमिट कर रहे हैं, और देन यू कॉन्टेक्ट देम, आगे आप फॉलो, ठीक है। तो ये ऐसी ऑडियंस है जिनको आपने रीमार्केट करा अपने वेबसाइट ट्रैफिक से या फिर लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव से। ऐप इंस्टॉल्स एक रियल एस्टेट के लिए कोई इसका यूज केस नहीं है, ठीक है। इंगेजमेंट आप जो है आप रन कर सकते हो, बेसिकली क्या है कि ये ऐसी ऑडियंस है जो आपको ब्रांड को जानते हैं, और आप चाहते हो कि इसी ऑडियंस में से मेरे को और इसी फिल्टर होकर ऑडियंस मिले, ये ऑडियंस है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ये आपकी ऑडियंस है, ठीक है, ये ग्रुप वन, ठीक है, ये ग्रुप टू, ये आपकी ऑडियंस है, ठीक है। मान के चलो ये ग्रुप ए, ठीक है, ए के ग्रुप है। अभी आपने क्या बोला, मेरे को एंगेजमेंट चाहिए या फिर ट्रैफिक और लीड जनरेशन, तो आप अपने क्या करा बेसिकली, ऐसे ऑडियंस का और एक ग्रुप बना लिया जो आपके ब्रांड के साथ ज़्यादा इंगेजमेंट हो रहे हैं, जो आपके ब्रांड के साथ आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो आपके पेज के ऊपर आ रहे हैं, जो आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ये बाकी की ऑडियंस साइड में हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लुक लाइक भी आ सकती है, और ये वही ऑडियंस है जो आपकी एज अ ब्रांड एड भी देखी इन्होंने, रीच वाली ऑब्जेक्टिव वाली एड भी देखी, और ये वही लोग हैं जो आपके ब्रांड के साथ और अच्छे से इंटरेक्शन होना चाहते हैं, इंगेजमेंट करना चाहते हैं, लाइक कमेंट शेयर आपका, लाइक आपके बिजनेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये ऐसे लोग हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर बोल आपके कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपको दे दी, ठीक है। ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये वाले ऑब्जेक्टिव का क्या यूज केस है, ठीक है। ये जैसा आपने कर लिया, आप अब मैं आपको और भी एक चीज़ बताऊंगा इसके आगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को देखना एंड तक। उसके बाद आपको क्या करना है, कन्वर्जन कैटलॉग सेल्स इज नॉट फॉर अस, स्टोर ट्रैफिक इज नॉट फॉर अस, आई मीन रियल एस्टेट के लिए नहीं है, ठीक है। ऐप इंस्टॉल्स नहीं है और कैटलॉग सेल्स और स्टोर ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, कन्वर्जन से। अब कन्वर्जन्स में आप क्या कर रहे हो, बेसिकली कन्वर्जन में आप जो है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रियल एस्टेट के लिए रीटारगेटिंग ऐड चलाएं कन्वर्जन को लेकर के। तो अभी आपको फिर से कस्टम ऑडियंस बनानी है ऐसे लोगों की जो आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्शन किया है उन्होंने वेबसाइट के थ्रू, जो मैंने बोला था आपको मैं बताऊंगा, जहाँ पर ये लोग वेबसाइट के ऊपर आए हैं यू ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव के थ्रू, ठीक है, या फिर लीड फॉर्म कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपना सबमिट करा, या फिर कोई आपका वीडियो देखा 95% वीडियो देखा, मींस इट मींस आपके वो लोग ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में, जिन्होंने 95% आपका वीडियो देखा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दैट मींस दे आर हाईली इंटरेस्टेड, वेबसाइट के ऊपर आना, लीड बनना, ये भी ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड है आपके साथ बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो कि आपने कस्टम ऑडियंस बना ली, और अभी कन्वर्जन के साथ आपको रीटारगेटिंग ऐड चलानी है जहाँ पर आप इसको भी फिल्टर करते हो। ये आपकी कन्वर्जन वाली ऐड है जहाँ से आप जो है, ये ऐसी ऑडियंस है ना जो आपके साथ 30-31% बिजनेस करना चाहती है। आप रीटारगेट कर रहे हो और ये ऐसी आपको ऑडियंस मिलेगी रीटारगेट करने के बाद, जब पर आप रीटारगेटिंग ऐड में बता रहे हो कि साइट विजिट करो, ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट की, आपका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कन्वर्जन वाले से। दूसरा आप बता रहे हो कि जिन लोगों ने हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा है उनका क्या फीडबैक रहा है, ठीक है, वो आप बता रहे हो यहाँ पर कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव से, जहाँ पर आप उनको बोल रहे हो कि आप पता है हमको आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, बट फिर भी आप जो है साइट विजिटिंग के लिए फिर से कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन सबमिट करो, जिससे हम इमिडिएटली आपके साथ लाइक आए और आपको, या फिर आपके पास कोई ऑफर चल रही है तो आप ऑफर प्रमोट कर सकते हो कि ये कूपन कोड है हमको बताना, यू दे दीज आर द पीपल हु नो यू फ्रॉम द स्टेप ऑफ ब्रांड अवेयरनेस कंसिडरेशन,
सो इनका जो कन्वर्जन है वो काफी अच्छा होएगा। ये ऐसे लोग हैं जो आपको जानते हैं अच्छे से और वो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। जस्ट आपको कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव में उनको आप कैसे ऐड चला सकते हो, तो साइट विजिट लेकर के या फिर कोई फीडबैक वाला या फिर कोई स्पेशल ऑफर वाला, जिससे ये इजीली ज्यादा अच्छे से जो है आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना ब्रांड अवेयरनेस, ट्रैफिक और कन्वर्जन, ये ऑब्जेक्टिव कैसे रियल एस्टेट के लिए हेल्पफुल है, किस तरीके से जो है आप इसको यूज कर सकते हैं अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ये ऑडियंस। होपफुली आपको कोई, अगर आपको कोई डाउट होगा या फिर कुछ भी आपको सवाल है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं पर्सनली हेल्प करता हूँ। और आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में कोई क्वेश्चन है डाउट है प्लीज मेरे को बताओ, मैं आपको श्योरली हेल्प करूँगा। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। अबे और एक चीज मैंने आपको बोला था, मैं आपको बताऊंगा एज अ बोनस समझ लो आप उसको, कि कई बार लोग ये ऑब्जेक्टिव नहीं चलाते उनके पास बजट ज्यादा होता है एग्जाम्पल के। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट कंसलेशन ऐड चलाएंगे, डायरेक्ट लीड जनरेशन ऐड चलाएंगे, या फिर डायरेक्ट ट्रैफिक वाली ऐड चलाएंगे, डायरेक्ट मैसेंजर वाली ऐड चलाएंगे, डायरेक्ट वीडियो व्यू वाली ऐड चलाएंगे, एंड देन फिर वो कन्वर्जन तो चलाते ही नहीं है। मैंने देखा है कई बार कन्वर्जन ऐड मतलब पता नहीं क्यों नहीं चलाते, चलाना तो चाहिए एनीवे, बजट का होता है शायद इसलिए, या फिर ज्यादा होता है उनकी मर्जी, उनको लगता है सिर्फ लीड जनरेशन से लीड आ गया, और वी आर देयर एक्सपेक्टिंग सेल्स राइट एंड नथिंग बैड विद दैट। तो कई बार क्या होता है ना कि हम ये नहीं चलाने की वजह से यहाँ पर जो अमाउंट हम स्पेंड करने वाले हैं, ठीक है मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ, ये मैं तीन कॉलम लिख लिए मैंने, बी सी एंड अगेन सी सी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने 1,000 रुपये लगाए, 1,000 रुपये में आपने जो ऑडियंस बिल्ड करी है वो बिल्ड करी है 10,000 लोगों की, क्योंकि यहाँ पर सस्ते में आपको ऑडियंस बिल्ड हो जाती है आपकी। ठीक है, आपने ये नहीं करा, ने डायरेक्ट ये करा, तो यहाँ पर जो ऑडियंस आपको बिल्ड हो रही है तो आपको 10,000 ऑडियंस या फिर 1,000 ऑडियंस आपको अगर कलेक्ट करना है तो आपको फेसबुक को पे करना पड़ेगा 10,000 रुपये एग्जाम्पल के लिए, 1,000 की ऑडियंस जमा करने के लिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ कोई वैल्यूबल एक्शन आपके बिजनेस के साथ लिया है, ये भी कोल्ड ऑडियंस है। ठीक है, उनमें से मतलब आप यू कैन अंडरस्टैंड, ओवरऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉस्ट आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी यहाँ पर कस्टम ऑडियंस अगर बनानी है तो। ठीक है, होपफुली यू अंडरस्टैंड, देन उसको फिर आप पता नहीं मेरे को आप रिटारगेट करते हो या नहीं, बट करना चाहिए उनको रिटारगेट इसके साथ। यहाँ पर तो आप लाइक कस्टम ऑडियंस नहीं बना सकते, लाइक बना भी सकते हो कन्वर्जन के लिए, बट इसका जो लाइक गेम है ना, इसका जो लाइक गोल है ना वो और है, आपको आपके बिजनेस को पैसा ला के देना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, लाइक इसी के लिए वो फेसबुक ने इसको बनाया। तो कई बार लाइक मैंने देखा है डायरेक्ट ये लोग जो है कर सकते हो आप, दैट्स नॉट देर इज नथिंग बैड विद दैट, कि आप ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट ना चलाएं, आप चलाओ और 1,000 2,000 लीड जनरेट करो, देन आप उसकी ऑडियंस बनाओ। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, उसकी ऑडियंस बनाओ आप एंड देन यू रन कन्वर्जन, जो मैंने बताया कन्वर्जन ऐड कैसे चलानी चाहिए। ठीक है, या फिर मैसेंजर बनाओ, चैटबॉट बनाओ, चैटबॉट बना करके आप ऑडियंस बनाओ। ठीक है ना, और या फिर आप जो है वीडियो व्यूज चलाओ, वीडियो व्यूज के ऑडियंस बनाओ। वीडियो व्यूज इज अ काइंड ऑफ आई वुड से कि मैं बोलूँगा आपको काफ़ी अच्छा है ऑडियंस बनाने के लिए, लाइक चीप चीपर ऑप्शन है। आप वीडियो, आप रियल एस्टेट का जो भी घर है उसका वीडियो डाल दो और आप री मार्केटिंग करो कन्वर्जन के साथ, ऑब्वियसली कन्वर्जन इन द सेंस आपको वेबसाइट के ऊपर ही लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक लॉजिक ऐसा है, एक छोटा सा फनल ऐसा बनेगा कि जिन लोगों ने मेरी वीडियो जो है 75% देखी है, उनको मैं वेबसाइट के ऊपर लेकर के जाके उनको मैं अपना जो है ऑफर पिच करूंगा कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आप लीड बन सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लीड जनरेशन नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ वीडियो देखने का और यहाँ से फिर लीड जनरेशन करने का। ठीक है, या फिर ये वीडियो व्यूज एंड ये लीड जनरेशन, ऐसा भी कर सकते हो। तो आपको सोचना है आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपके प्रोजेक्ट की टिकट साइज के हिसाब से, करोड़ों का प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट करो, नहीं है छोटा बजट है और 30-40 लाख 50 लाख के ऐसा प्रोजेक्ट है तो आप डायरेक्ट लीड जनरेशन करके खुश रह सकते हो, 50-100 लीड आ गए,
जो भी कॉस्पेलर टैंक है मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, और मैं वहाँ से ही मेरे में वो पावर है कम है जैसे मैं उनको कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैं अभी आपको प्लान बताई है इस अ काइंड ऑफ फुल फ्लेज मार्केटिंग प्लान जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए इम्प्लीमेंट करता हूँ, जिनके मैं करंटली आपको जैसे पता होगा 5 से 10 लाख का एड बजट में पर मंथ मैनेज करता हूँ मेरे क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो मैं ये सब ऐसे बड़े बड़े प्लान्स और ये सब इस तरीके से मेरा बजट ऑप्टिमाइजेशन और मैनेजमेंट मार्केटिंग प्लान होता है, तब जाके हमको लाइक करोड़ रुपए सेल्स आती है, ठीक है। लाइक कन्वर्जन हमारा इम्प्रूव होता है, लाइक बिना ये प्लान के जो कन्वर्जन रेट उनका आ रहा था एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस प्लान जो कन्वर्जन रेट है वहाँ पर आपको ग्रोथ दिखे, ठीक है। होपफुली यू गाइज अंडरस्टैंड कि ये जो सभी के सभी ऑब्जेक्टिव्स है फॉर रियल एस्टेट, हाउ यू कैन यूज इट, हाउ यू कैन लाइक उसका फुल्ली पावर कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो आपको समझ में आ गया होगा। एंड एट द एंड मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप आपके पास क्लाइंट्स है काफी सारे, लाइक आप एक फ्रीलांसर हो मेरी तरह, लाइक डिजिटल मार्केटिंग आपको पता है, फेसबुक एड सब कुछ पता है आपको अच्छे से पता है, ठीक है, और आपके पास टाइम नहीं है एंड या फिर आप चाहते हो कि मैं स्केल करूँ अपना खुद का बिजनेस नेक्स्ट लेवल तक, या फिर आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस में काफी सारे क्लाइंट्स आए बट मेरे पास टाइम नहीं है, और या फिर आपके करंट क्लाइंट जो है उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे को एज अ पार्टनर या फिर आप एज अ वाइट लेवल फ्रीलांसर मेरे को हायर कर सकते हैं, मेरे साथ वर्कआउट कर सकते हैं। बेसिकली वाइट लेवल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, वाइट लेवल इन द सेंस कि आपके क्लाइंट, आपका कोटेशन, आपके क्लाइंट का बजट, मेरा काम, और मेरा काम रहेगा कि आपको रिजल्ट्स लाके देना, ठीक है, मेरा काम ये रहेगा, और आई विल बी चार्जिंग यू बेस ऑन पर क्लाइंट और या फिर पर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप मेरे साथ एज अ वाइट लेवल, काम आपका, नाम आपका, काम मेरा, ठीक है, नाम आपका, काम मेरा, इसको बोलते हैं वाइट लेवल फ्रीलांसिंग। आप अगर आप जानते हो ये सब चीजें तो आप मेरे साथ कर सकते हो, और विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन व्हाई नॉट टू लेट्स कोलैबोरेट एंड ग्रो इच अदर, ठीक है, ये एक चीज हो गई। या फिर आप ऐसे पर्सन हो जो एक डेवलपर है, एजेंट, ब्रोकर है, और लाइक प्रोफेशनली आप ये सब चीज लाइक खुद नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, आपको सेल्स के ऊपर ध्यान देना होता है, तो फिर आप मेरे को एज अ फ्रीलांसर, नॉर्मल फ्रीलांसर आप हायर कर सकते हो, जहाँ पर आप मेरे क्लाइंट बनोगे एंड आई विल हेल्प यू विद दिस ऑल मार्केटिंग प्लान। जो भी आपका बजट है, 10 हज़ार रहने दो, 15 रहने दो हज़ार, या फिर 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, कितना भी आपका बजट रहने दो फर्क नहीं गिरता, आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड वी विल टॉक, वी विल डू अ मीटिंग, और अगर सब कुछ सही होता है आपका प्रोजेक्ट वगैरह मैं आपको इस्टीमेशन वगैरह दे दूंगा, लाइक वी कैन वर्क टूगेदर, ओके। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सी यू अदर वीडियो, मेरे को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।